वक्फ बोर्ड को लेकर देश की सियासत में घमासान मचा है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर तरह तरह के भ्रम फैलाने की भरपूर कोशिश हो रही है, लेकिन अब वक्फ की साजिशों को काबू करने के लिए सनातन बोर्ड बनाने की मांग उठी है और यह मांग की है प्रख्यात कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने। सनातन बोर्ड बनाने की मांग को लेकर क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। वक्फ दृष्टि का तोड़, सनातन बोर्ड, हिंदू संपत्तियों की रक्षा का प्लान, सनातन बोर्ड करेगा वक्फ की साजिश फेल। वक्फ बोर्ड के मसले पर देश भर में बहस छिड़ी है। विवाद की असल वजह वक्फ बोर्ड के दावों वालों संपत्ति रजिस्ट्रेशन और उसमें पारदर्शिता का मसला है, लेकिन मुसलमान इसके पक्ष में नहीं। बीते कुछ दिनों में हिंदू मंदिरों, हिंदुओं की जमीनों के साथ साथ सरकारी संपत्तियों पर वक्फ के दावे की कई खबरें सामने आ चुकी हैं। दान के नाम पर वक्फ की संपत्तियों की हिसाब किताब इतना फैला हुआ है कि वक्फ देश का तीसरा सबसे बड़ा जमीन का मालिकाना हक रखने वाला बोर्ड बन चुका है। देश में बेहिसाब संपत्ति जुटाकर बैठे वक्फ के लालच पर लगाम लगाने के लिए कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने सनातन बोर्ड बनाने की आवाज उठाई है। देवकी नंदन ठाकुर ने अपनी मांग में कहा कि जितनी जमीन वक्फ बोर्ड ने हत्या कर रखी है उतनी ही जमीन सनातन बोर्ड को भी देनी होगी। देवकी नंदन ठाकुर ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि देश के संसद और एयरपोर्ट की जमीनों पर वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोक रहा है। हालात ऐसे रहे तो 10 से 12 साल बाद पूरे देश पर वक्फ बोर्ड अपना हक जताएगा। उन्होंने कहा कि सनातन बोर्ड के मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियों को जवाब देना होगा और समर्थन करना होगा। आगे आया कि अभी तो हमारे सदन बनी हुई है वो भी वक्फ बोर्ड की है, एयरपोर्ट भी सदन का जो है वो भी वक्फ बोर्ड का है, तो जब सब कुछ वक्फ बोर्ड का है तो फिर कृष्ण भूमि भी वक्फ बोर्ड की। ये लोग हम धार्मिक जगहों को छीन छीन के किसी भी जगह को छीन कर कह रहे हैं कि ये वक्फ बोर्ड की है, तो सनातन का भी अधिकार है कि नहीं? देश वक्फ बोर्ड को मिले बेहिसाब अधिकारों पर संशोधन का मसला जेपीसी के सामने है, लेकिन सियासत भी बेहिसाब जारी है। वक्फ संशोधन बिल पर अफवाहों का बाजार तैयार किया जा रहा है, लेकिन देश में मुस्लिम समाज से जुड़े कुछ ऐसे उलेमा भी हैं जो वक्फ की कालाबाजारी के सच को जानते हैं और ऐसे मौलाना सनातन बोर्ड बनने का स्वागत भी कर रहे हैं। मंदिर क्या कि जो जमीन है, प्रॉपर्टीज है, वो सनातन बोर्ड के तहत आए, इसमें हमें कोई इतराज नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, इस तरह बोर्ड बनना चाहिए और वो भी अपने मंदिर, मठों की, धर्मशालाओं की जमीनों का रखरखाव करें। इसमें कोई दो राय नहीं कि 1995 से वक्फ बोर्ड को कानूनन बेहिसाब छूट मिली हुई है और नियम कायदों का फायदा उठाकर वक्फ भी अपने पैर पसारता जा रहा है। ऐसे में सनातन बोर्ड की मांग पर क्या विचार होगा और ये कितना कारगर होगा, ये देखने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, Zee Media. Zee News.